Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 26 of Business Studies for class 12, and in this tutorial we are going to start unit number 4, which is planning. ओके अब जो आपके यूनिट स्टार्ट होंगे वो है सारे मैनेजमेंट फंक्शन के बेसिस के ऊपर, यानी जो हमने 5 फंक्शन स्टडी किए थे ना मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो अगले 5 चैप्टर जो है वो सारे यही वाले हैं. ठीक है, यूनिट 4 है प्लानिंग, यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग, यूनिट 6 स्टाफिंग, यूनिट 7 डायरेक्टिंग एंड यूनिट 8 इज कंट्रोलिंग. ठीक है, तो इसके बाद आपका जो पार्ट ए जो है वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on my channel, then please do subscribe my channel. Please do hit the like button and also do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा commerce के students यहाँ इस channel के साथ जुड़ें. ठीक है, तो चलिए students start करते हैं हमारा आज का session जो कि है planning. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है ये वाला चैप्टर, तो आपने बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली प्लानिंग होता क्या है. देखो, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विद इट स्टार्ट्स द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग के बाद ही बाकी के सारे फंक्शन हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली जो प्लानिंग है, प्लानिंग जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या है? फाउंडेशन है. ठीक है, प्लानिंग इज अ फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नाउ इट इज सेड दैट इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. इट इज सेड दैट इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. वट डज दिस मीन? कि अगर आपकी जो प्लानिंग है, यानी जो आप प्लान्स बना रहे हैं, अगर वो ही फेल है, प्लान ही आप सही तरीके से नहीं बना रहे हैं, यू प्लान टू फेल, आप आगे भी जो है फेल ही होंगे. ठीक है, वट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर आपके प्लान्स जो हैं वो सही नहीं होंगे, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, वो सही तरीके से अपने टारगेट्स को सेट नहीं करोगे एंड सही तरीके से आंसर्स नहीं करोगे अबाउट हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. ठीक है, तो इन दिस केस यू प्लान टू फेल. ठीक है, सो अगर आपके प्लान्स जो हैं वो सही नहीं होंगे, सो ऑब्वियसली आप जिस भी रास्ते पर आगे जाएंगे तो वहां पर भी आप आगे जो है वो फेल ही होंगे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने अपनी क्लास टेंथ फिनिश करी. ठीक है, अब क्लास टेंथ फिनिश करने के बाद जब आप क्लास इलेवेंथ में एंटर करें, तो वहां पर आपके पास चॉइसेस थी कि आपको कौन सी स्ट्रीम जो है वो चूज करनी है, कि नॉन मेडिकल में जाना है या मेडिकल में जाना है या कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है या फिर ह्यूमैनिटीज में जाना है. सो ये 4-5 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आपके पास चॉइसेस थी, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है. सो चॉइसेस हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने स्ट्रीम चूज करी. ठीक है, अब अगर आप 10th क्लास में जो आपने स्ट्रीम का जो डिसीजन लिया, अगर वो आप गलत ले लेते तो क्या होगा? आगे जाकर जो है फेल ही होते जाएंगे, उस पर्टिकुलर लाइन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. ठीक है, सो इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. अगर आपके प्लान्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं बने होंगे, सो यू प्लान टू फेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है केक बनाना है, केक बनाना आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये मैनेज नहीं किया, ये प्लान नहीं किया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें किस तरीके से डालने हैं. ठीक है, बेक किस तरीके से करना है, इस तरीके की प्लानिंग नहीं करी और बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में आपका जो केक है वो खराब ही बनेगा. केक जल भी सकता है, केक फूल भी नहीं सकता, केक में मीठा भी कम हो सकता है, यानी अच्छे से नहीं बनेगा. ठीक है, कोई भी काम करते हैं, चाहे वो स्टडीज है, चाहे कंपनीज है अपना काम करती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करती हैं, सिमिलरली से स्कूल है, स्कूल वालों को होता है कि हमने स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो टॉप पर लेकर आना है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, तो वो क्या किया जाता है? प्लानिंग करती है. अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है कि क्या उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उनमें से क्या चीज जो है वो बेस्ट है. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है? प्लानिंग.
प्लानिंग जब हम सबसे पहले कर लेते हैं उसके बाद ही हमारे बाकी के सारे फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें निकल कर आई कि प्लानिंग इज बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या यू कैन से प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एंड नंबर सेकेंड, विद इट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स। क्लियर? नंबर थर्ड, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। एंड नंबर फोर्थ, हम प्लानिंग कब करते हैं? जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। हम पहले ही सोच विचार करते हैं। क्या सोच विचार करते हैं? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट इज टू बी डन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सपोज आपकी फैमिली में किसी की वेडिंग है। ठीक है, वेडिंग सबसे बड़ा इवेंट होता है फैमिली में। ठीक है, अब वेडिंग है तो उस दौरान जो है क्या क्या हम करेंगे? वेडिंग है तो प्लानिंग तो ऑब्वियसली 4-5 months पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और आजकल तो बहुत एडवांस ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वेडिंग है, क्या क्या प्लानिंग होगी? सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, आपका गोल क्या है? वेडिंग। ठीक है, जब आपके पास एक गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद ही प्लानिंग होती है। ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या करना है, तो आप क्या प्लान करोगे? ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको आपको पता है कि आपके घर में वेडिंग है एंड आपने इस इवेंट को जो है मेमोरेबल बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव है वेडिंग। अब प्लानिंग करनी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या करना है, किस तरीके से वेडिंग करनी है, क्या वेडिंग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या सिंपल वेडिंग करनी है, ये सब चीज़ें देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली, और जिस तरीके से फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है, फिर ये देखते हैं हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, बुकिंग्स करी जाती हैं। ठीक है, फिर व्हेन इट इज टू बी डन, कब करनी है मैरिज। ठीक है, सो नवंबर में फिक्स करिए कि नवंबर में मैरिज करनी है। नाउ बाय होम इट इज टू बी डन, बाय होम इट इज टू बी डन का मतलब क्या है कि कौन कौन लोग जो है उस इवेंट को मैनेज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफर कौन होगा, ठीक है, फिर डिजाइनर्स कौन होंगे, इवेंट मैनेजर कौन होगा, ठीक है, उसके बाद जो है कैटरिंग कौन करेगा, डेकोरेशन वाले, ये सब चीज़ें जो है पहले ही डिसाइड करी जाती हैं एंड पहले ही इन सब की क्या करी जाती है, बुकिंग करी जाती है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगर ऑन द स्पॉट आप लोग इन सब चीज़ों को ढूंढोगे और इनकी बुकिंग करोगे तो क्या होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, तो इट मीन्स यू प्लान टू फेल। ठीक है, तो कुछ भी काम को करने से पहले सोचना, यानी कि थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग बिफोर डूइंग इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में हम इन 4-5 क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हमारा गोल क्या है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए फर्दर हम प्लानिंग करते हैं। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, किस तरीके से करना है, बाय होम इट इज टू बी डन, कौन सा काम जो है कौन सा व्यक्ति करेगा। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। क्लियर? सो बेसिकली प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेशन फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओन्स एंड ओडोनेल। सो अकॉर्डिंग टू ओन्स एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, when to do it and who is to do it, ये भी समझाए। ठीक है, then second है according to M.E. Harley, according to M.E. Harley, planning is deciding in advance what is to be done, it involves a selection of objectives। अभी बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, objectives select करना, policies, procedures and programs from among alternatives, यानी कि जो आपके पास options available हैं उनमें से जो है आपने अपना जो decisions हैं वो आपने क्या करने हैं, select करने हैं। Clear? अब आपने ये याद रखना, अगर आपको question में आता है define planning, तो आपने ये define लिखनी होती है according to Holmes and O'Donnell वाली, according to M.E. Harley, यानी जो भी according to management experts हैं वो आपने definition में लिखना होता है। अगर आपसे पूछा जाता है meaning, सो मीनिंग में हमें जनरल मीनिंग लिखते हैं, ये हमेशा आपने चीज़ याद रखनी है, क्योंकि बच्चे ना सोचते हैं कि मीनिंग में डेफिनेशन लिख दो या डेफिनेशन मीनिंग लिख दो, नो ये रॉन्ग होता है। ठीक है, सो जो डेफिनेशन होती है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट होती है एंड मीनिंग इज ऑलवेज जनरल सेंस में होता है।
क्लियर. सो अब यहाँ पर क्या कंक्लूजन आया कि प्लानिंग क्या है. सो प्लानिंग इज बेसिकली द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज अ फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. नंबर सेकंड, हम प्लानिंग कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं एंड हमें उन ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट या सुटेबल ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होता है. इन दैट वेरी केस व्हाट वी डू प्लान. ठीक है. तो अगर हम प्लानिंग सही तरीके से करेंगे देन वी विल डेफिनेटली अचीव आर गोल्स. यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से प्लान्स बनाएगी, सही तरीके से प्लानिंग करेगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या जो टारगेट्स हैं वो डेफिनेटली जो है वो अचीव होंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्लियर. सो वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे. हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हम आज कहाँ खड़े हैं. ठीक है. एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच, यानी कि फ्यूचर सिचुएशन. ओके. सो वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच, दैट इज आवर फ्यूचर सिचुएशन. ठीक है. आज हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले टाइम में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग वो क्या है, ब्रिज है. क्लियर. सो ये था बेसिकली मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. अगर आपको क्वेश्चन में आता है दैट यू हैव टू राइट नेचर ऑफ प्लानिंग या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फीचर्स ऑफ प्लानिंग, सो दिस इज वन एंड सेम थिंग. ओके. सो वी हैव मेनली 7 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग. कौन कौन से. नंबर 1 है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 2 है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नंबर 3 है प्लानिंग इज परवासिव. नंबर 4 है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नंबर 5 है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. नंबर 6 है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट 1 इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. क्लियर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन डिटेल वन बाय वन. सो फर्स्ट फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. और यू कैन से कि प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ठीक है. अब इसको समझो. देखो मैनेजमेंट स्टार्ट होती है प्लानिंग से. मैनेजमेंट begins with planning and planning begins with the determination of objectives. Clear? हम objectives के बिना planning नहीं कर सकते. अगर आपका कोई objective नहीं है, आपके पास कोई goal नहीं है, आपके पास कोई target ही नहीं है, तो आप किस किस चीज के लिए planning करोगे. ठीक है. So management begins with planning. Planning से ही management की शुरुआत होती है. लेकिन planning begins with determination of objective. जब हम objective set कर लेते हैं फिर decide करते हैं, plans बनाते हैं कि किस तरीके से इन objective को आपने अचीव करना है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये टारगेट सेट किया कि आपको क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स है इसमें आपने टॉप करना है. ठीक है. 95 प्लस जो है आपने अपनी परसेंटेज है वो लेकर आनी है. ये आपका क्या है, गोल है. ठीक है. अब आपको आपको अपना गोल पता है कि मुझे 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना है. अब आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे कि किस तरीके से मैं इस गोल को अचीव करूं. एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तैयार करोगे, एक रोड मैप जो है वो प्रिपेयर करोगे. ठीक है. एंड फिर इस रोड मैप पर चलकर जो है अपने गोल्स को अचीव करोगे. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट प्लानिंग विदाउट सम ऑब्जेक्टिव्स इज मीनिंगलेस. बिना ऑब्जेक्टिव्स के आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग जो है वो मीनिंगलेस है. सो प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ठीक है. सो ये था फर्स्ट फीचर. नाउ कम टू द सेकंड फीचर ऑफ प्लानिंग व्हिच इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज द फर्स्ट और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बाकी के जो भी सारे फंक्शंस हैं वो प्लानिंग के बाद ही स्टार्ट होते हैं. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कम्प्लीटेड. प्लानिंग के बिना इन सारे फंक्शंस का कोई भी वजूद नहीं है. वाई, बिकॉज प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. ठीक है. एक कोर्स ऑफ एक्शन जो वो प्लान करते हैं एंड बाकी सारे फंक्शंस भी किस पर डिपेंड करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स पर ही. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में हम क्या करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन करते हैं एम्प्लॉयज को. ठीक है. अब लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. किसको क्या अथॉरिटी देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है.
ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेटेड कहाँ पर होंगे, प्लान्स पर, जब आपके प्लान्स ये प्रॉपर तरीके से बनाए गए होंगे, ठीक है। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी इजिली फिक्स करी जाएगी जब प्रॉपर प्लान फॉर्मुलेट किया गया होगा, क्लियर। सिमिलरली इन स्टाफिंग फंक्शन व्हाट वी डू, वी सेलेक्ट एम्प्लॉयज ओके एंड अपॉइंट देम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ओके। नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना है, दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है ऑर्गेनाइजेशन में एंड किस तरह के, यानी कौन से स्किल वाले एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। सो प्लानिंग इज ऑलवेज अ फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग। नाउ कम टू द थर्ड फीचर ऑफ प्लानिंग विच इज प्लानिंग इज परवासिव। परवासिव का मतलब क्या होता है, दैट इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है। सो प्लानिंग जो है, प्लानिंग क्या है, वो परवासिव है, हर जगह एप्लीकेबल होती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर वन है टॉप लेवल, जो भी मेजर प्लान्स होते हैं या जो पॉलिसीज होते हैं, जो भी ओवरऑल प्लान्स होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कौन फॉर्मुलेट करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स, क्लियर। फिर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, यानी जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्लियर। उसके बाद जो थर्ड आता है आपका लोअर लेवल, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे मेक प्लान्स टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। ये ऑपरेशन लेवल के लिए प्लान्स बनाते हैं, किस तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी करना है उसके लिए प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्या था, दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लानिंग जो है सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर में ही चाहिए होती है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे वो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्री है, जहाँ जहाँ भी वर्क हो रहा है, जो भी चीज़ है, हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती ही है। बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम जब नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल, क्लियर। सो ये है आपका थर्ड फीचर विच इज प्लानिंग इज परवासिव। देखो ये फीचर्स मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इनमें से ना आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग इज परवासिव, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज इट हेल्पफुल। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली नहीं आएगा आपको कभी भी कि यू हैव टू एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने फीचर्स डिटेल में समझे होंगे तभी आप आंसर्स कर पाएंगे, अदरवाइज दो लाइन में समझा देंगे तो फिर क्या आंसर करोगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सभी फीचर्स में पिक्चर्स भी शो कर रही हूँ ताकि चीज़ें जो आपके माइंड में अच्छे तरीके से जो है वो फिट हो जाए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फोर्थ फीचर विच इज प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नाउ प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इट बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। प्लानिंग बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने प्लानिंग कर ली अब आपको कल प्लान करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको हर एक स्टेप पर, हर एक लेवल पर हमें प्लानिंग करने की जरूरत होती है। और इवन हम छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए भी प्लान करते हैं। अब जैसे मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हो, प्लान करते हो ना पूरा डे आपने क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपने कवर करना है, कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है, कौन सी असाइनमेंट्स बनानी है। तो ये क्या प्लानिंग ही तो है ना, अब ये तो नहीं ना आपने एक दिन प्लानिंग कर ली उसके बाद आपने प्लानिंग नहीं करी, ठीक है। अब जैसे हमारे घरों में जो हमारी मदर्स होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, आफ्टरनून में लंच क्या बनाना है, फिर रात में डिनर क्या बनाना है, तो ये सब चीज़ें क्या प्लानिंग है। तो प्लानिंग हर जगह ही होती है। अब आप ये देखो एग्जांपल्स के साथ आप खुद रिलेट करते जाओगे सारे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। ध्यान ध्यान समझते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो प्लानिंग परवासिव भी है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है, ठीक है। अब जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे प्लान्स भी जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड नंबर सेकेंड थिंग इज दिस कि जो प्लान्स है ना वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं,
ठीक है, प्लान्स जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बनाए जाते हैं, जब वो टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है अगेन वी नीड टू मेक अ न्यू प्लान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने टारगेट सेट किया कि जो आपके सेमेस्टर वन के एग्जाम्स होने या टर्म वन के जो आपके एग्जाम्स होने हैं तो उसमें आपने जो है वो 95 प्लस मार्क्स लेकर आना है, अभी आपका गोल ये है और आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, अब क्या जब आपका ये गोल कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा, तो क्या उसके बाद प्लानिंग नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप किसके लिए प्लानिंग करोगे? सेमेस्टर टू के एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये तो नहीं ना कि सेमेस्टर वन में प्लान करके बैठ गए तो चलो भैया आगे तो चलना नहीं है हमने। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो कोई वन स्टॉप प्रोसेस नहीं है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्लियर। नाउ कम टू द फिफ्थ फीचर ऑफ प्लानिंग, व्हिच इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नाउ प्लानिंग ऑलवेज मींस लुकिंग अहेड, ठीक है, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। अभी आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर, अभी हम कहाँ पर हैं, ठीक है, यानी ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी हमारी फ्यूचर सिचुएशन। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग या प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। हम जो भी प्लान करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? पास्ट वाली चीजों के लिए, पास्ट इवेंट्स के लिए हम कभी प्लान नहीं करते। ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए आप हमेशा जो है वो प्लानिंग करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बताया था कि अगर आपका ये गोल है कि आपको क्लास 12 में जो है वो टॉप करना है, ठीक है, 2021 जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसमें आपने टॉप करना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहुंचना है। ठीक है, अब एग्जाम्स तो मार्च में होने हैं ना, मार्च 2021 में होने, यानी नेक्स्ट ईयर होने, बट हम प्लान अभी से कर रहे हैं, प्रेपरेशन जो है वो अभी से कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, इट ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर विच इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नाउ प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लानिंग। ठीक है, सो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं एंड बेस्ट या जो भी सुटेबल ऑल्टरनेटिव होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइसेस। अगर चॉइसेस नहीं होगी तो हम क्या प्लानिंग करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, ठीक है, आप किचन में जाते हो और देखते हो किचन में क्या है। ठीक है, और किचन में जो है आज कुछ भी नहीं पड़ा, ना ही कोई बिस्किट्स है, ना ही चिप्स है, ना ही मैगी का पैकेट पड़ा है, ठीक है, ना ही कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, ना ही चॉकलेट्स पड़ी है, यानी कुछ भी नहीं पड़ा। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जो है वो घिया की सब्जी खानी पड़ेगी। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या प्लान करोगे? घिया ही खाओगे, है ना। और अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किचन में जाते हो और आपके पास बिस्किट्स भी हैं और मैगी भी है और कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है और डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स भी पड़ी हैं, हाफ मोर की आइसक्रीम भी पड़ी है और इसके साथ साथ आज मम्मी ने छोले भटूरे भी बना दिए, ठीक है, तो अब क्या है, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो गई हैं। अब आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, कौन सा मैं सेलेक्ट करूँ। ठीक है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो नहीं खाओगे, बीमार तो नहीं होना ना। ठीक है, इसमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है, जो आपका फेवरेट होगा, ऑब्वियसली आप उसको ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइसेस। अगर चॉइस ही नहीं है, अब आपको पता है यहाँ पर चॉइस ही नहीं है, आपको पता है घर में आज कुछ भी नहीं पड़ा खाने के लिए, सारा राशन पानी जो है वो, यानी ये जो बच्चों का राशन पानी होता है, ये सब स्टॉक हमारा खत्म हो रखा है एंड घर में सिर्फ घिया की सब्जी बनी है, तो आपको घी और फुल्का ही खाना पड़ेगा, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, तो आपको यही करना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, फिर तो आपको ऑब्वियसली प्लान करना पड़ेगा कि क्या चीज़ चूज करूँ। ठीक है, सो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। Now come to the last feature of planning, which is planning is a mental exercise, or we can say it is an intellectual process, which means thinking before doing. अब फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्लास 12 के बाद क्या करना है, ठीक है, आपने सीए करनी है या आपने बीकॉम करनी है या आपने बीबीए करनी है या आपने बीए करनी है या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, आपने क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स का यूज होगा। ठीक है, आप अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपने थॉट प्रोसेस का यूज करोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि मैं क्या करूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, क्या चीज़ मेरे लिए सही है, मैं सीए करूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ या मैं कैट एग्जैक्ट मैट की तैयारी करूँ, क्या चीज़ मैं करूँ। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगेन,
And now you have to utilize your mind. You have to find the best option which is suitable for you. You have to find your area of interest, your passion, and everything which is good for you. ठीक है? So this is what we call as that planning is a mental exercise. इसमें हमें अपना पूरा दिमाग चलाना पड़ता है. ठीक है? Planning में हम कोई guesswork use नहीं करते. ये नहीं कहते कि चल बीकॉम ही कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे. ऐसा नहीं भाई, तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारे पूरे 3 साल लगते हैं बीकॉम में, ऐसे करके तुम उसको वेस्ट नहीं करोगे. तुम अपना पूरा इंटरेस्ट देखोगे, अपने घर वालों की सलाह लोगे, करियर काउंसलिंग वालों से जो है गाइडेंस लोगे, अपने टीचर से गाइडेंस लोगे, अपने सीनियर से गाइडेंस लोगे, उसके बाद ही जो है आप अपना दिमाग लगा कर, अपनी थॉट को प्रोसेस कर अपना इंटरेस्ट देख कर जो फाइनल डिसीजन होगी. क्लियर? से प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. ठीक है? अब प्लानिंग की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि मैनेजर कितना कैपेबल है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना स्किल्ड है. ठीक है? एज प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग rather than guesswork या फिर wishful thinking. Clear? So planning is a mental exercise. Clear? So ये थे students features of planning. I hope आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. ये features जो है मैंने detail में इसलिए आप लोगों को explain कर रहे हैं because इसमें से आपको 1 या 3 marks में reasoning based question आते हैं और वो पक्का आते हैं एग्जाम में. ठीक है? और मैं आपको ट्यूटोरियल्स में इसी तरीके से पढ़ाती हूँ कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो और आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. And if this tutorial is helpful for you all, then please do share your valuable feedback in the comment section as your feedback matters a lot. और आप लोग feedback देते हो, so I also come to know कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं, and ये जो tutorials हैं आप लोगों के लिए helpful है या फिर नहीं. तो इसलिए students please feedback जरूर share किया कीजिए, अपने suggestions जो है वो भी जरूर share किया कीजिए. ठीक है? And students अगर आपको कोई भी doubt होता है regarding studies, तो आप जो है मुझे इस WhatsApp number पर message करके जो वो पूछ सकते. ठीक है? एंड लास्ट में गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड.